अर्चना जी, हम पंजाब वालों का हिसाब किताब तो आप जानती हैं। हमें तो वेट भी कम करना हो ना, तब भी हम 2 साल वेट करते हैं, क्योंकि 1 साल हमारा रेजोल्यूशन लेने में चला जाता है और उस पर अमल करते हैं दूसरे साल। Yes. असल में हम पंजाबियों को ना खाने से बड़ा प्यार होता है। बहुत। हमें कोई बोल देना कि डाइटिंग करनी है तो हमारी डाइटिंग फिर क्या होती है, हम लोग भटूरे और कुलचे का साइज छोटा कर देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, पेट अंदर जा रहा नहीं जा रहा, वी डोंट केयर। ये अपना पांडे, ये दिनेश के साथ रह रहे के, ये भी एक दिन उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया, म्यूसली ले आया कहीं से। म्यूसली? हाँ, 2 दिन तो खाता रहा, 3रे दिन उसको डीप फ्राई करके चाय के साथ खा रहा है। कहता अब स्वाद आ रहा है। मैं कहा स्वाद नहीं आ रहा, तेरा पेट भी आ रहा, ध्यान से देख, कसम से अभी तो पतला हो गया, नहीं तो इसका पेट इसके पैर छू रहा था। ओह गॉड। गलती हमारी भी नहीं है, हमारी परवरिश ऐसी होती है। हमारी माए इतना घी डाल डाल के पराठे खिलाती है ना, और फिर उसके बाद बच्चा इतना जब घी खा लेता है फिर फिसल के सीधा ही कनाडा निकल जाता है। पंजाबी खुश दिल भी बड़े होते हैं। अब कोई भी आप फिल्म देख लो जिसमें आशिक का दिल टूटता है ना, तो ऐसे गाने चलने लगते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही। अब पंजाबी फिल्म में किसी हीरो का दिल टूटे, ओ हो इश्क तरह तड़पावे, हमारा पता नहीं चलता कि हमारा इश्क में डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हो रहा है। मैं आज अर्चना जी पंजाबियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच एक पंजाबी फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो की स्टार कास्ट आ रही है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम लेजेंडरी एक्ट्रेस मिस्टर राज बब्बर जी एंड जया प्रदा जी। वाओ, एक बार जोरदार तालियां जया जी और राज सर के लिए। राज सर, जया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार दोनों हमारे शो पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही, खाली अर्चना जी को घबराहट हो रही है। क्यों? नहीं, आप दोनों पॉलिटिशियन भी है ना, तो ये पॉलिटिशियन से बड़ा डरती है। बनता भी इनका, इन्होंने भी एक किसी की कुर्सी खाई थी, उनको लगता है कि शायद कोई पॉलिटिशियन और कम एक्टर आ रहे हैं तो हमारी ना कुर्सी खा जाए, पर वो अपनी अपनी कुर्सी पे विराजमान है। अर्चना जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए राज सर, जोरदार तालियां एक बार राज सर और जय मैम के लिए। मैम, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। सर, थैंक यू। मुझे तो लगता है कि आपको देखते ही प्यार हो जाता है इंसान को, ऐसे मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि आपके सामने लोग चुनाव में खड़े कैसे हो जाते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए, मैं कसम से मेरे सामने ऐसी उम्मीदवार हो ना, मैं तो पार्टी का सीट छोड़ के अब वोट वाले दिन वोट भी इनको डाला हूँ। काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। राज सर, आपका मन नहीं कभी किया अपनी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में चला जाओ? दरअसल मैं इन्हीं के साथ था लेकिन इन्होंने निकाल दिया। मुझे तो याद नहीं है। ओह, पर सर अब आज हमारा सौभाग्य कि आज आप हमारे शो पे आए हैं। मैम कपिल जी, इस लॉकडाउन के अंदर जी मैंने महसूस किया और एहसास किया कि मैंने आपके शो में ना आके कुछ ज्यादा नुकसान किया है। ओह सर, क्या मैं सच कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे घर में मेरा बॉस आपका बहुत बड़ा फैन है। बॉस? अच्छा जी। हाँ जी, मेरा बॉस मेरा नवासा। अच्छा अच्छा। वो नाश्ता नहीं करता जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इनका शो नहीं देखता। वाह, कितने मतलब बुद्धिमान बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। कितनी अच्छी चॉइस है उनकी, देखिए। कपिल जी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे काफी दुनिया में फैंस होंगे, लेकिन आपको पता है कि हम सब आपके फैंस हैं। अरे मैम, बहुत क्या बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये बात सच है कि इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए सभी इंतजार करते हैं। wow. क्योंकि आप खुशियों के जादूगर हैं आप। wow. और इस महंगे की समय में आप खुशियों को फ्री में बांट रहे। कितनी कितनी प्यारी बातें बोल रही हैं आप। सच बोल रही हूँ, ये तो सच्चाई है। और मैं ही नहीं हूँ, मेरे परिवार सभी आपके शो देखते हैं और इतना पसंद करते हैं, तो मैं हमेशा आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपने आज मौका दिया। मैम, आपने हमें आज मौका दिया है, हम तो बड़ी देर से चाहते थे कि आप हमारे शो पे आए। तो क्या, पहले तो उस फिल्म के बारे में बताइए राज सर, कैसी फिल्म है और आप दोनों क्या किरदार निभा रहे हैं उसमें? दरअसल ये फिल्म का एक जो नुआन है वो बहुत ही सीधा और खासकर पंजाबियत से बहुत जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। कि ये बाहर रहते हैं, NRIs हैं, हिंदुस्तान में पैसा वैसा कमा के आते हैं, और इनका एक बुजुर्गों का एक उम्मीद थी कि हम जो है यहाँ पे कुछ नेक काम करें, सिखाए थे, तो ये अपना सारा पैसा वैसा इकट्ठा करके और अपनी हवेली को
गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। अच्छा जी। जो कुछ ऐसी लोग जो होते हैं जिनको पैसे से ज्यादा मोहब्बत होती है और खासकर जो है रिश्तेदार ही होते हैं। ओके। तो वो रिश्तेदारों ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन किसी तरीके से इनको निकाल दिया गया और वो तमाम लोगों की जो रूह है उस हवेली में बस जाती है और वो कोशिश करती है कि किसी भी सूरत के अंदर यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की जो आस थी वो पूरी हो। वाह क्या बात है, बड़ा खूबसूरत प्लॉट है सर। सर आप दोनों ने साथ में बहुत सालों बाद शायद काम किया ना? जी। कितने सालों बाद काम कर रहे हैं आप साथ में? मुझे लगता है कि 21 साल 18-20 साल। तो आपको साथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी या पार्टी के विचार नहीं मिल रहे थे आपस में इसलिए नहीं साथ में आ रहे थे? विचार तो इनके साथ तो मिल रहे थे। और अच्छा। इनके और हमारे विचारों में कभी ऐसा लगा नहीं कि हम तो जहां भी मिले अच्छे विचारों से मिले। अच्छे विचारों से ही मिले। अच्छे विचार होते लेकिन समाज नहीं इकट्ठा होने देता। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे हाय नमस्ते राज जी। अच्छा। नहीं नहीं कभी कभी गले भी मिलते थे हम लोग ऐसी बात नहीं। ऐसे राज जी ऐसे ऐसे देख के हाय जी आ। राज सर हमने सुना भी था कि 80s में सब हीरोइंस जो चाहे जीनत जी या पद्मिनी जी सब बोलते आपके साथ काम करना चाहती थी, तो मैं सोचता था कि यार मतलब क्या राज सर उनको पेमेंट ज्यादा दिलवाते हैं या अपनी भी दे देते हैं उनको? तो मेरे दिमाग में आ रहा था मैं कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। आपका सोचना भी सही है, मुझसे तो ज्यादा ही पैसे मिलते थे। जया जी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे ब्रेक मिला, मैं ये पूछना चाहता हूँ साउथ वालों ने आपको छोड़ा कैसे? कोई कौन जाने देगा कि हमारी हीरोइन वहां जाए या ना? कैसे कैसे आना हुआ आपका? वो जाने नहीं दिया। वाकई आपने जो प्रश्न सही पूछा, जो सरगम ओरिजिनल वर्जन थी वो सिर सिर मुवा ओके उसको रीमेक किया था हिंदी में ओके और एनएनसीपी साहब और विश्वनाथ जी डायरेक्टर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था जो हिंदी वर्जन के लिए। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी एंट्री मिली। आई एम थैंकफुल टू एनएनसीपी साहब एंड विश्वनाथ जी। अरे सरगम में आपका किरदार था वो बोलता नहीं था बिल्कुल, तो मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि मतलब वो पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा था कि उस समय आप हिंदी की प्रैक्टिस कर रही थी तो आपने खुद ही म्यूट करवा दिया था कि मेरे को अभी म्यूट रखो? नहीं ओरिजिनल वर्जन में भी वो गुंगी कैरेक्टर थी ओके और इसमें उसी को रिपीट किया था ओके, लेकिन जो कैरेक्टर में हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस देना है और सामने वालों को भी समझ में आनी चाहिए तो उस तरह का शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर बड़ा मुश्किल होता है बिना बोले आपने अपना किरदार निभाना है। जी विश्वनाथ जी मुझे स्कूल्स में लेके जाते थे। अच्छा जी। तो वहीं से प्रैक्टिस करती थी मैं उनको देख के उनके जो एक्शंस के उनके मूड्स को और उनके आवाज को मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो, तो इस तरह का जो आवाज देना है वो मुझे आदत पड़ गई थी। अच्छा। तो बाद में जो भी फिल्म करती थी मुझे जो डायलॉग बोलने के बाद वो साउंड कंटिन्यू होता था आपको समझ में नहीं आ रहे ऐसा तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ा मुझे। थैंक गॉड बट पिक्चर में तो लोगों को समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे क्या समझ में आज तक हमारी याद में पिक्चर कमाल की पिक्चर थी और वो गाना तो डफली वाले डफली बजा जी। वो देख लो मतलब आज अभी भी वो गाना कहीं ना कहीं हम सुनी लेते बजता हुआ। एक बात ऐसे मन में आ रही थी मैम, जब आप पहली बार पार्लियामेंट गई थी एक बार तो सारे एमपी घूम ही गए होंगे ना? हाय हाय ऐसा हुआ जी। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते कपिल, मैं आपको अंदर की बात बताऊं सब लोग मेरे जैसे ही होते हैं, मानता कोई नहीं। राय सर जब इंसाफ का तराजू मैं तो आज में ऐसा किरदार निभाया आपने उसमें मतलब कमाल के क्या स्टनिंग जो आपने किया ना राज जी उस फिल्म में, पहली बार किसी नेगेटिव कैरेक्टर ने इस तरह से दर्शाया था किसी यू नो द सीन्स और बहुत मुश्किल सीन्स थे बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉच दैट फिल्म आई वाज सो इंप्रेस्ड एंड रियली ऑनेस्टली आई थॉट एज अ हु इज दिस एक्टर एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई मेट। वाओ एक्चुअली बहुत कमाल की मतलब बहुत कमाल की अदाकारी से।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.